इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ ए डीसी पावर सप्लाई। तो लास्ट लेक्चर में मैं जो एक तरह से इसकी जो वर्किंग थी डीसी पावर सप्लाई की और उसकी वेव फॉर्म कैसे ड्रा करनी है वो सब मैं डिस्कस कर चुका लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमें सर्किट बनाना है, तो सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट लेने हैं और क्या उनकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या उनके स्पेसिफिकेशन देखनी है हमको, और कैपेसिटर का जैसा साइज़ है तो कितने माइक्रो फैराड का लेना है, ये आपको वोल्ट कितने आउटपुट का आपको डीसी पावर सप्लाई बनानी है, तो 5 वोल्ट की बनानी है तो 7805 IC इस तरह का है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं तो किस तरह हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो सेंटर टेप मैंने यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लिया है वो सेंटर टेप है। अब यहाँ पर देख रहे हो 3 वायर हैं आउटपुट पे और यहाँ 2 वायर हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपकी जो पावर सप्लाई बना रहे हो कितने वोल्ट की बना रहे हो। अगर 5 वोल्ट की बना रहे हो तो यहाँ पर नीचे जो ये वाइट वाला है इस पर लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू। तो इधर तो 220 वोल्ट आप इनपुट पर दोगे, तो यहाँ पर जो ये वाइट वाला जो है ना, तो इस पर है 9.0 और फिर आगे 0.0 वो ब्लैक वाले के नीचे है, और फिर अगला वाला जो ग्रीन है उसमें फिर वही 9.0 वोल्ट सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो इन दोनों पे 9.9 वोल्ट है, ठीक। और बीच में जो ये ब्लैक वाला है ये 0.0 वोल्ट का है। तो अगर आपको 5 वोल्ट का देना है तो इन दो को भी आप मतलब ब्लैक इस ग्रीन को या इस ब्लैक या इस ग्रीन को लेके इस कॉम्बिनेशन से लेके 2 वायर निकाल सकते हो। तो 9 वोल्ट आउटपुट पाएगा, और 9 वोल्ट से जो अगर 1.4 माइनस कर दें क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर है तो एक पाथ में 2 डायोड आ रहे हैं, 0.7 0.7 उनका ले लें, सिलिकॉन डायोड है, ठीक है। तो 9 माइनस 1.4 तो 7 पॉइंट समथिंग बचेगा, और फिर यहाँ पर रिपिल देखना पड़ेगा कि रिपिल कितने हमें उसको रिड्यूस करने हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वो 5 वोल्ट हमारा जनरेट कर देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 18 वोल्ट लिया है, तो मैंने क्या किया है ये जो बीच वाली जो ब्लैक वाली है इसको मैंने कंसीडर ही नहीं किया। तो यहाँ पर 9 वोल्ट, इधर 9 वोल्ट, और ये बीच में 0 वाला, तो अगर इसको और इसको लेता हूँ तो 9 वोल्ट आएगी, इसको इसको लेता हूँ 9 वोल्ट आएगी। अगर मैं सिर्फ ग्रीन और ग्रीन लेता हूँ तो 9 प्लस 9 18 वोल्ट इन दोनों पर आएगा। तो मैंने ये किया है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करने का फ़ायदा ये है, देखो जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है और जो आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर है लगभग जो उनकी कॉस्ट है वो सेम है, बस बेनिफिट इसका ये है कि आप अगर चाहते हो कि आप इस पर कुछ ज़्यादा वोल्ट, या आपको यहाँ पर सपोज़ करो 15 वोल्ट का बनाना है, सही है, या आपको एक इस तरह की बनानी है जो आपको बायसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो सर्किट, तो उसमें आपको पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए और नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए, तो उस केस में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आपका यूज़ आएगा, सही है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ आएगा, और उसमें आपको सेंटर टेप जो यहाँ पर ये है, सही है, ब्रिज रेक्टिफायर लिया है, ठीक। तो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो PIV रेटिंग है, पीक इन्वर्स वोल्टेज, वो जो यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसके इक्वल है, ठीक। जबकि सेंटर टेप जो आपका रेक्टिफायर है उसमें 2 VM है, उसके डबल हो जाती है, और वो कहाँ दिक्कत करती है मैं उसको डिस्कस कराऊंगा अभी इसके नेक्स्ट कंपोनेंट जब चूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर सिंपली हमने 220 वोल्ट दिया और मैंने ग्रीन ग्रीन वायर लिए यहाँ पर, सही है, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो 18 वोल्ट आई, ऑलराइट। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमने चूज़ किया है जो डायोड, तो हम ये देखेंगे कि हमें बेसिकली जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है सर्किट के, सही, या जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं या ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज मैक्सिमम कितनी है। तो यहाँ पर मेरी 18 वोल्ट है, और 18 वोल्ट जो है ये RMS वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई करूँगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 वोल्ट। तो इसकी जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है 25 वोल्ट है। तो अब मुझे वो इस तरह का जो मुझे डायोड लेना है जनरल पर्पज डायोड, तो जो जिसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज, सही है, उससे कम हो, जो मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो मतलब जो मेरी आ रही है उससे ज़्यादा हो, ठीक है, और जो हमारा सर्किट है जो भी आप चूज़ कर रहे हो उससे कम आनी चाहिए पीक इन्वर्स वोल्टेज, बस समझ रहे। तो मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज इसकी स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई है, और इसकी जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आएगी आपके सर्किट की वो जो आप चूज़ कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने लिया 4001, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इसका नाम, तो ये है 1N4001, इसको IN भी मतलब ऐसा लगता है जैसे IN लिखा हो, 1N4001 है।
इसकी जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है PIV वो है 50 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये 25 वोल्ट है तो इससे मच लेस है जो इसकी मैक्सिमम पीक है 50, जो बियर कर सकता है ये पीक इन्वर्स वोल्टेज तो 50 वोल्ट है। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, अगर मैं VM देखूँ तो 25 वोल्ट, ठीक है ना, तो 25 वोल्ट इससे मच लेस है तो ये सफिशेंट है। ब्रिज एक्टिफायर यूज़ किया है तो आउटपुट पे जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी तो 25 माइनस, तो मैं इनको आइडल मान लेता हूँ अभी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए, पर जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो इसको प्रैक्टिकल लेकर चलना, 0.7 0.7 का ड्रॉप दोनों में दिखाना है तो 23 समथिंग कुछ आएगा, है ना, 23.6 वोल्ट आउटपुट पे। अब एक दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ जैसे मैं अपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 220 वोल्ट जरूरी नहीं कि 220 वोल्ट ही आए। अब इन्वर्टर की अगर पावर सप्लाई है तो 220 वोल्ट आएगी इन्वर्टर से आ रही है, पर अगर आप देखोगे जो पावर सप्लाई मार्केट से, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो पावर स्टेशन से आ रही है वो 250 वोल्ट से लेके और 200 वोल्ट तक वेरी करती है। तो अब हमारी जो पावर सप्लाई है वो टॉलरेट इनफ होनी चाहिए कि वो हमारा, क्योंकि अगर यहाँ 200 वोल्ट है तो ये वोल्टेज कम होगी, अगर ये 250 वोल्ट है तो ये बढ़ेगी भी। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्ट को देख लेते हैं कितना हमारा फ्लक्चुएशन होता है इनपुट पे, और जो PIV है जो सर्किट की वो कहीं इसकी मैक्सिमम रेंज से बाहर ना चले जाए। सही है, तो 25 वोल्ट से ज़्यादा कितना चला जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 50 वोल्ट हमारा ये सेफ जोन में है। अच्छा, अब इसकी जगह अगर हम सेंटर टेप यूज़ कर रहे होते तो सेंटर टेप की जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आती है सर्किट में एक डायोड के अकॉर्डिंग एक्रॉस, वो आती है जो भी यहाँ पर जो सेकेंडरी है उसके एक्रॉस जो मैक्सिमम जो पीक आएगा उसका डबल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 25 वोल्ट आई थी, तो अगर मैं यूज़ करूँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर तो वो आएगी हमारी 2 VM यानी 50 वोल्ट। अब अगर सेंटर टेप रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो सेंटर टेप में आप 1N4001 का यूज़ नहीं कर सकते हो। दिक्कत यह है कि उसकी PIV और इसकी PIV सर्किट की वो इक्वल हो जाएगी, तो और ये बढ़ भी सकती है। अगर 220 वोल्ट सप्लाई है तो ठीक है, अगर ये 250 वोल्ट तक सप्लाई पहुंच गई तो ये काफ़ी बढ़ जाएगी और जो आपका डायोड है रेक्टिफायर है वो आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक, तो उससे बचने के लिए या तो इनको कम करना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी है वो हम थोड़ा सा कम लें। ठीक है, अब कम कैसे करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो ट्रांसफार्मर आप बना रहे हैं, या तो उसके हिसाब से देखो या दूसरा डायोड चेंज कर दो। तो मार्केट में एक स्टैंडर्ड बनता है, ऐसा नहीं है कि वो सबका ही बना कर देने, या तो स्पेसिफिकली आप अपने आप डिज़ाइन करें लैब में जाके PCB लैब में, या आप अपना जो डायोड है उसको चेंज कर दें। तो अब दूसरा है डायोड जिसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सही है, वो भी जनरल पर्पस है, तो वो है हमारा 1N4007। तो इसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है वो है 1 kV। ठीक है, तो बहुत ये भी काफ़ी बड़ी सीरीज है, 4001 4002 4003 4004, आपकी चॉइस है आपको कौन सा लेना है। ठीक, तो स्पेसिफिकेशन देखेंगे डायोड की और आपकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है। ठीक, तो जनरल पर्पज़ में वो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो जनरल पर्पज़ डायोड देखना। अब उससे बाहर आए, यहाँ पर है हमारा कैपेसिटर जो हमारा फिल्टर का काम कर रहा है। अब इसको देखो, ये जो है मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू ली हुई है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। अच्छा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसको देखो, यहाँ पर देखो ट्रांसफार्मर में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, अगर आप ब्लैक नहीं ले रहे हो तो, अगर ब्लैक वाली ले रहे हो तो ये फिर आपका 0 वोल्ट वाला है, सही है, और ये 9 वोल्ट, ये 9 से कभी 0 पे आएगा कभी -9 पे जाएगा, है ना, इस तरह चलता रहेगा। तो ये आपका रेफरेंस में रहेगा सेंटर वाला। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव वो चेंज होते रहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, पर जब आप दोनों ग्रीन ग्रीन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, और जब नेगेटिव हाफ आएगा तो ऊपर वाला माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो इसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर है नहीं। ठीक है, ट्रांसफार्मर वाले केस में। अब आते हैं डायोड में, तो डायोड में आप देख रहे हो ये ब्लैक है और यहाँ पर ये एक सिल्वर कलर की इस पर एक लाइन खींची हुई है, सर्कुलर लाइन है। ठीक, तो ये इंडिकेट करती है इधर वाला पोर्शन N, और जो हम डायोड का सिंबल बनाते हैं तो जो ये लाइन खींची हुई है हमने,
स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट करती है एन, एन टाइप, सही है। और नीचे वाला जो है पोर्शन, जो ट्रायंगल वाला जो बेस लग रहा है इधर, वो है हमारा पी टाइप। तो इधर वाला पी टाइप और इधर वाला एन टाइप, ठीक है। तो इस तरह इसको हमें कनेक्ट करना है। अब आते हैं यहाँ पर कैपेसिटर पे। कैपेसिटर को देखो, ये पूरा जो है इनक्लोज होगा ब्लैक से या ब्लू, है ना, जो टेप लगी हुई है या एक तरह से इसके ऊपर जो कवर है, ब्लैक या ब्लू, और उस पर एक वाइट कलर की इस तरह ये एक पट्टी होगी लाइन। तो उस पर या तो जीरो लिखा होगा या माइनस माइनस का साइन बना होगा, तो ये इंडिकेट करता है। और वो इस पिन, जो पिन का साइज़ है उससे भी देख सकते हो, जो नया आएगा। तो जो बड़ा वाला है, जो बड़ी वाली पिन है वो पॉजिटिव है, और जो छोटी वाली पिन है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इससे भी आप देख सकते हो, अगर ये कट कर दी हो, दोबारा आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में जो ये वाली लाइन है, तो इसके नियर जो भी इन दोनों पिन में से है वो हमारी नेगेटिव है, और बाकी जिस पे कुछ भी मार्क नहीं है वो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह कनेक्ट करना है इसको, सही है। तो ऊपर पॉजिटिव वाला और नीचे बड़ी पिन वाला और नीचे छोटी पिन वाला, इसको कनेक्ट करना है इस तरह। तो फिर जो आउटपुट आपका आएगा इसके अकॉर्डिंग, सही है, तो वो पॉजिटिव वेव आएगी। अगर आप सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चाहिए, तो एक ऊपर के लिए सर्किट बनाओगे और एक नीचे के लिए सर्किट बनाओगे, और उसमें इसका जो सीरीज़ है 7805 की जगह 7905 यूज़ करोगे। सपोज करो 5 वोल्ट पॉजिटिव, 5 वोल्ट नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए तो 7805, जो नेगेटिव पावर सप्लाई बनाओगे उसके लिए 7905, ठीक है। और इसका क्या यूज़ है, ये जो यहाँ पर ये भी कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर है, तो इसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी आते हैं वोल्टेज रेगुलेटर पे। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये हमारा, ये एसटीमाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का है 7805, ठीक। तो इधर वाली जो लेग है ये इन वाली है, बीच सेंटर वाली ये हमारी ग्राउंड की है, और जो राइट में है वो हमारी है ये वाली, ये आउटपुट की। तो ग्राउंड और आउटपुट, मतलब ग्राउंड पिन और आउटपुट वाली पिन, इन दोनों के अक्रॉस हम लोड लगाते हैं, इसको सप्लाई देते हैं इन दो पिन पे, इनपुट और ग्राउंड वाली पे, ठीक है। तो ये है सारा, इसको कैसे कैसे कनेक्ट करना है। सिरेमिक में कोई पोलैरिटी का चक्कर नहीं, इसको कैसे भी लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पर पोलैरिटी का है, इसमें भी पोलैरिटी है, और इसकी भी पिन को हमें देखना पड़ेगा, और यहाँ पर पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है ग्राउंड वाले केस में। अब आते हैं नीचे थोड़ा। अब हमारा दो चीज़ हो गई, एक तो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया और ये हो गया हमारा डायोड हो गए। अब आते हैं कैपेसिटर की वैल्यू कैसे सेट करनी है। तो एज्यूम करो, जो वेवफॉर्म बनाएंगे हम एक तरह से, एक पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक, और जो वेवफॉर्म बनती है ना, तो कैपेसिटर सपोज करो चार्ज हुआ ये, और यहाँ के बाद वो डिस्चार्ज हुआ, और फिर चार्ज हुआ, होना शुरू हुआ, और फिर इस पीक पे जाके फिर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, नेक्स्ट पीक के लिए। तो ये वाला जो पीक है इसको बोलेंगे मैक्सिमम, वी एम, है ना, या वी पी। जो ये लोअर वाला है जहाँ तक ये आया है, तो इसको बोलेंगे वी एल, लोअर वोल्टेज, सही। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ हमारा इस तरह का लगेगा, तो जो ये है हमारा फिल्टर के बाद का आउटपुट, ठीक है। तो अब हमें, अब इसमें एक दो चीज़ देखो, एक तो जो आउटपुट आ रहा है, देखो अब इसमें डीसी कंटेंट ज़्यादा हो गए, फिल्टर हमने लगाया कैपेसिटर, ठीक है, पर ये क्या कर रहा है, ये जो फ्लैक्चुएशन है, ठीक है, वो हमारी कितनी है, कम या ज़्यादा हो रही है। अब कैसे हो रही है इसको देखेंगे, तो फ्लक्चुएशन है यहाँ पर, ये वोल्टेज है मैक्सिमम इतना और लोअर इतना, ठीक है, तो ये इस तरह चलता रहेगा। तो ये जो वेरिएशन है, तो इसको बोलते हैं हम रिपिल वोल्टेज, वी आर, तो रिपिल है ये, और इसकी जो वैल्यू है वो है वी एम माइनस वी एल। अब कैपेसिटर को चार्जिंग डिस्चार्जिंग से आप इसको समझ सकते हो, तो वी एम माइनस वी एल, और जो हमारा है वी
जो डिस्चार्ज हो रहा है, देखो जो चार्ज हो रहा है वो तो बिल्कुल जो फॉलो कर रहा है जो हमारा इनपुट है, पर जब आउटपुट जब डिस्चार्ज हो रहा है, सही है, तो RC जो चार्ज टाइम कॉन्स्टेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको देखोगे तो VL इक्वल्स टू आएगा VM e टू द पावर, और एक टाइम पीरियड है TP मान लेते हैं RCL, तो यहाँ पर R जो है ये लोड है, ठीक, और C जो है इस कैपेसिटर की वैल्यू है, यहाँ पर कैपेसिटर की जो वैल्यू है, सही है, और TP क्या है, पीक टू पीक, ठीक, ये पीक और ये पीक, इसके बीच में जो फ्लक्चुएशन है वो सब, तो ये TP है, तो इस तरह आएगा। तो अगर इसको आप इन शॉर्ट अब ये रिपल वोल्टेज को अगर आप लिखोगे तो VR इक्वल्स टू बना VM वन माइनस, ठीक है, e टू द पावर TP डिवाइड बाई RC, क्लियर। और अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ एज्यूम्पशन लेने पड़ेंगे, तो आएगा निकल के VM, ठीक है, डिवाइड VM TP डिवाइड बाई RC। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा TP क्या है, ये पूरा एक टाइम मतलब एक पूरा टाइम पीरियड है इस पीक से लेके इस पीक तक, ठीक है। तो अब इसकी जो अगर फ्रिक्वेंसी देखें तो TP इक्वल्स टू 1/2f, तो ये हो गया हमारा VM डिवाइड बाई 2f RC, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बना, तो VR इक्वल्स टू बना हमारा VR इक्वल्स टू VM डिवाइड बाई 2f RC। अब f कितनी है, f है हमारे यहाँ पर अगर इसका इनपुट देखें कैपेसिटर का, तो यहाँ पर है 100 हर्ट्स, हमारी 50 हर्ट्स की सप्लाई है तो 100 हर्ट्स है, ठीक। अब चलते हैं, तो 2f आया वहाँ से, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट की है और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर इसको डबल कर रहा है, ठीक, तो 100 हर्ट्स हो गया, तो यानी 2f इक्वल्स टू ये 100 हर्ट्स, इसका मतलब ये है, तो फ्रीक्वेंसी है इनपुट की देख रहे हैं। अब आते हैं, हमें अब कुछ सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू अब जो निकालनी है तो हमें अब तो VR कितना लेना है ये पता होना चाहिए, VM का पता होना चाहिए, और लोड क्या है ये पता होना चाहिए, और साथ में फ्रीक्वेंसी का। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अब ये फार्मूला हो ही गया है, अब मैं बाकी चीज़ इसमें से रिमूव कर देता हूँ। तो एज्यूम करते हैं कि जो इनपुट हमारी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की 50 हर्ट्स है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, और जो पीक आउटपुट वोल्टेज है VM उसको मान लेते हैं 24 वोल्ट मान लेते हैं, या 25 वोल्ट बन रही है वैसे, है ना, 23.6 बन रही है, तो 24 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट वगैरह में नहीं लेते, आप कैलकुलेटर से उसको करके देखना। आउटपुट रेसिस्टेंस जो यहाँ पर लोड का है उसको मान लेते हैं कि 10 किलो ओम है, तो RL की जो वैल्यू है, लोड की जो वैल्यू है वो है 10 किलो ओम, और जो रिपिल वोल्टेज है जो हम चाहते हैं कि जो फ्लक्चुएशन है आउटपुट वोल्टेज में, वो मैं रफ कर दिया है ना, वो हमारा जो VR है वो हमारा 0.4 वोल्ट रहे, उससे ज़्यादा ना रहे, सही है ना, उससे कम ना उससे ज़्यादा, हमने ये इसको एज्यूम करके चलाया, इसको और भी कम कर सकते हो, 0.2 कर सकते हो। अब यहाँ से हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, तो C इक्वल्स टू जो हमारा बनेगा, तो RL जो VM है वो है हमारा 24 डिवाइड बाई, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50, इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 है, मल्टीप्लाई बाई, और ये 10 किलो ओम का लिया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, और जो हमारा VR की वैल्यू है उसको लिया हमने 0.4 वोल्ट। अब इससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 345 कितना बनेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय ये 100
और एक ये तीन, 10^6 तो यही हो गया, तो ये 10^5 कर देते हैं इसको माइनस के, और नीचे डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो 6 × 10⁻⁵ फैरड आया। तो अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये बना हमारा 60 × 10⁻⁶ ना, हाँ तो -6 है तो माइक्रो में चला गया, तो माइक्रो कर देता हूँ सीधा, माइक्रो फैरड, 60 μF की वैल्यू चाहिए, तो कैपेसिटर की यहाँ वैल्यू है अब 60 μF। अब दूसरा केस, अगर लोड की वैल्यू 5 kΩ है, तब 5 kΩ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हाफ हुआ, तो ये तुम्हारा जस्ट वैल्यू कितनी हो गई 60 से 5 kΩ के लिए, सी की वैल्यू कितनी चाहिए, 120 μF डबल हो गई। ठीक, तो अगर आप लोड की वैल्यू वेरी कर रहे हो तो कैपेसिटर की वैल्यू भी वेरी होती है, तो मैं इसको अगर आप बना रहे हैं तो सिंपली इसको एक 100 μF का लेके चलेंगे। ठीक है, 100 μF। ठीक है, तो अगर RL की वैल्यू 10 kΩ है तो बढ़िया है और रिपिल कम हो जाएंगे। ठीक है, पर अगर उससे कम है तो वो रिपिल थोड़ा बढ़ जाएगा, सही है, पर मतलब एक तरह से ये मिडिल, एक तरह से जो चॉइस है, क्योंकि अब इसको बार बार कैपेसिटर को चेंज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए 100 μF का हम इसको लेके चलते हैं, पर वैल्यू कैसे निकालनी है वो ये सब ये है, और मार्केट में एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें, ये कैपेसिटर का हो गया, दूसरी चीज़ इसमें जो मैं बताना चाह रहा था, अब यहाँ पर ये जो हमारा सर्किट है, सही है, अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप इसको देखेंगे, हाँ तो दो प्लेट हैं इस तरह, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और बीच में भरा हुआ है हमारा इंसुलेटर या इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, कुछ मटेरियल भरा हुआ है, तो दो प्लेट हैं पैरेलल। तो अब इसको कम से कम स्पेस में बनाना है, तो क्या करते हैं, इन पैरेलल प्लेट को हम इस तरह बना देते हैं, सही है, तो जो पैरेलल प्लेट है उसके अंदर ये भरा हुआ है, और इसको हमने बना दिया इस तरह, और बीच में हमने यहाँ पर भर दिया इंसुलेटर, सही है, तो ये तो मैंने एक ही कोई मतलब एक ही टर्न लिया है, कई सारे टर्न होते हैं, है ना, ऐसे ही ये बढ़ता बढ़ता इस तरह का हो जाता है, तो जो पूरा है उसको वो इस तरह का ये बन गया। तो अब ये क्या बन गया, ये मेटल है, ऊपर वाली मेटल है, ये वाली भी मेटल है प्लेट, और ये हमारा क्या है, इंसुलेटर, है ना, तो अब इस में जब इसको कोयल की फॉर्म में बनाओगे तो ये क्या बन गया, इंडक्टर बन गया, और जब इंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे, तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट बना देता हूँ, ये इंडक्टर आ गया, तो इंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो ये XL इक्वल्स टू होता है 2FLC, तो F की वैल्यू अगर 0 है तो ये शॉर्ट है, ठीक है, तो ये DC पावर को नहीं जाने देगा, अगर F की वैल्यू बढ़ती है तो उसके लिए जो इसकी वैल्यू है XL की वो घटती वो क्या है, बढ़ती जाएगी, तो यानी जो लो लेवल के जो सिग्नल हैं, सही है, AC सिग्नल, उनको ये पास करेगा। ठीक है, तो अगर 0 है तो उसको, तो ये अगर इसकी वेव की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो XL = 0, तो ये शॉर्ट हो जाएगा DC के लिए। ठीक है, तो DC के लिए शॉर्ट है पर AC के लिए ओपन है, है ना, तो AC अगर 50 Hz है तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट यानी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, तो हाई वैल्यू रहेगी, तो अगर यहाँ पर मैं इस इंडक्टर को काउंटर करना है, अब इस इंडक्टर की अगर रेंज देखें तो रेंज होती है 0.01 μH के आसपास। ठीक है ना, तो अब इस इंडक्टर के आने से प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी AC सिग्नल जैसे 50 Hz का है वो भी पास होकर इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडक्टर बन गया, अनफॉर्चुनेट। ठीक, उससे भी अगर कम का है AC सिग्नल, अब जैसे कि नॉइस सी सिग्नल है, नॉइस जनरेट होती है हमारे सराउंड में, बहुत नॉइस रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस है ना,
तो इस तरह का है। तो जो नॉइस की सिग्नल जो जनरेट होते रहेंगे वो भी हमारे इस इंडक्टर से पास होते रहेंगे। अब उसको अगर काउंटर करना है तो इतने ही वैल्यू का, पर इसके अपोजिट हम क्या लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, छोटा सा कैपेसिटर लगाते हैं। तो उसका वो है 0.101 माइक्रो फेराड का, ठीक है, इस कैपेसिटर की वैल्यू है। तो ये कैपेसिटर जो है ये सेरेमिक कैपेसिटर है, इसमें पोलैरिटी वाला कोई इशू नहीं है। जैसे कि ये है 10^4 और पीको फेराड है, ये 10^4 पीको फेराड, ये छोटे वाले जो कैपेसिटर हैं ये पीको फेराड के निम्न होते हैं, तो 10^4 पीको फेराड। तो इसको लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये इस इंडक्टर को काउंटर करता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और ये इसका इफेक्ट ख़त्म करेगा, और ये इसका इफेक्ट ख़त्म करेगा। अच्छा, यहाँ पर सिरेमिक इसलिए लगाया है क्योंकि जो इंडक्टर है वो दोनों तरफ काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो पोलैरिटी का कोई इशू ही नहीं है, तो नॉइस कैसे भी आएगी वो उसको अपने यहाँ पर रिसीव करेगा। हम तो एक तरफ का कंट्रोल कर रहे थे, पर जो नॉइस आएगी वो किसी तरफ की भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पर एक ये सिरेमिक कैपेसिटर लगाया है, ठीक है जी। ठीक, तो जो नॉइस सिग्नल है अब वो यहाँ हमारी पावर सप्लाई के थ्रू, हमारा जो सिस्टम जो भी बना रहे हैं जहाँ पर पावर सप्लाई आप दे रहे हो, वो उसमें पास नहीं हो रहा है। क्योंकि पावर सप्लाई से बेसिकली क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं, और बायसिंग में अगर नॉइस आएगी तो वो नॉइस हमारी आगे प्रोपगेट होगी, है ना। चाहे आप एम्पलीफायर बना रहे हो, चाहे आप कुछ और बना रहे हो जहाँ पर स्विचिंग कुछ इस तरह का यूज़ कर रहे हो, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ उसको मुझे कमेंट करें, मैं उसको डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।